वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, ये सबका विश्वास लिगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2019 का फोर्थ वीडियो है। मैं सीएस अग्रवाल, जीएसटी ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, और ये हमारी बुक है विच इज पब्लिश बाय टैक्समैन। ऑथर इज के अग्रवाल एंड पुनीत अग्रवाल जी। और दिस बुक इज वेरी गुड बिकॉज एक्चुअल केस लॉज इसमें है, हमने एक्सट्रैक्ट्स डाले हुए हैं ऑडिट के, शोकॉज नोटिस के, तो आप और न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्कीम कैसे एक्चुअली अप्लाई होगा। और हमने लास्ट वीडियो में रिलीफ लिंक टू इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट किया था, जो 18-19 मिनट का था, और इस वीडियो में हम लोग रिलीफ रिलेटेबल टू शो कॉज नोटिस कर रहे हैं लिटिगेशन इशू। ये तमाम तरह के डेफिनेशन है। अब ये शो कॉज नोटिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टार्टिंग द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एसएससी फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स। अगेन एलिजिबिलिटी में वही कहानी है, दिस शो कॉज नोटिस शुड बी रिसीव्ड ऑन और बिफोर 30th जून 2019। तो किसी भी एलिजिबिलिटी का जब हम लोग स्टेटस देख रहे होंगे तो एज ऑन 30th जून 2019 देखेंगे। तो एक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ड्यूज अगर पढ़ें, सेक्शन 123B में लिखा हुआ है, तो ये दो बातें बता रहा है ये सेक्शन। एक, आपकी एलिजिबिलिटी भी डिटरमाइन करेगा, दूसरा डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है, टैक्स ड्यू क्या है, वो भी बता रहा है। वेयर ए शो कॉज नोटिस, ए हमने रेड किया हुआ है, वेयर ए शो कॉज नोटिस, अगेन वाई ए, सिंगल शो कॉज नोटिस एक केस बनेगा। तो मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई शो कॉज नोटिस आया है, वो 3 साल का टैक्स मांग रहा है, हर एक साल में कोई 5 इशू है, किसी में 2 इशू है, किसी में 3 इशू है, उन सबको मिला के जो टैक्स बनेगा दैट विल बी योर टैक्स ड्यू अंडर एनी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एनेक्टमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द डिक्लेरेंट। यानी कि इशू हुआ है मान लीजिए जून में, रिसीव हुआ है जुलाई में, तो आप इनएलिजिबल हो जा रहे हैं। तो दिस रिसीव्ड बाय द डिक्लेरेंट ऑन और बिफोर 30th जून 2019, देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स प्लस सेस, और अगर क्रेडिट से रिलेटेड है, स्टेटेड टू बी पेबल बाय द डिक्लेरेंट इन द सेड नोटिस। और सबको जोड़ के याद रखिएगा, इनएलिजिबिलिटी, हु हैव बीन इशूड ए शो कॉज नोटिस अंडर इनडायरेक्ट टैक्स एनेक्टमेंट एंड द फाइनल हियरिंग हैज टेकन प्लेस। दिस इज रियली वो एरिया है जहां पर इनएलिजिबिलिटी आ रही है। अब मैं आपको ऐसा बता देता हूं, फाइनल हियरिंग हैज टेकन प्लेस ऑन और बिफोर 30th जून 2019, यानी कि फाइनल हियरिंग हो गई, हियरिंग कंप्लीटेड, ऑर्डर रिजर्व, तो आप इनएलिजिबल है। तो फाइनल हियरिंग नहीं होनी, यानी कि हियरिंग चल रही होगी तो झगड़े का इश्यू है, हियरिंग कंप्लीट, ऑर्डर आ गया, तब तो आप अमाउंट इन एरियर से आप एलिजिबल हो गए। सिर्फ यही एक रेड है, याद रखिएगा। अब यहां पर हियरिंग चल रही है, ये कैसे पता लगता है कि फाइल में हमेशा वो नोटिंग कर रहा होता है कि किस डेट को फिर दोबारा उसे बुलाना है। अब ऐसे कई केसेस हैं जहां पर फाइनल हियरिंग कंप्लीट हो गया, ऑर्डर रिजर्व हो गया और ऑफिसर ट्रांसफर हो गया, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड कि जिस ऑफिसर ने हियरिंग की है वही ऑर्डर पास करेगा, लेकिन अगर उसका ट्रांसफर हो गया तो रीहियरिंग होगी, और रीहियरिंग में जो न्यू डेट दी गई है वो स्टेटस देखना एज ऑन 30th जून 2019। अगर वो रीहियरिंग का डेट फॉल्स ऑन और बिफोर 30th जून 2019, देन यू आर एलिजिबल। तो शो कॉज नोटिस इज रिसीव्ड ऑन और बिफोर 30th जून 2019, एलिजिबल है, एंड ड्यूअल कंडीशंस एंड हियरिंग शुड ऑल्सो बी पेंडिंग एज ऑन 30th जून 2019, देन ओनली यू आर एलिजिबल। और कितना आपको रिलीफ मिलेगा, अप टू 50 लाख, अगर झगड़े का इशू है तो मैंने कहा था ज्यादा रिलीफ मिलेगा, अप टू 50 लाख है तो 70% का रिलीफ है, एक्सीडिंग 50 लाख है तो 50% का रिलीफ है। लेकिन हियरिंग कंप्लीट हो गई, ऑर्डर पास हो गया, एंड ऑर्डर हैज बीन पास ऑन बिफोर 30th जून 2019, तो अमाउंट इन एरियर्स का केस है, और दिस हैज अटेंड फाइनलिटी, आपने अपील फाइल नहीं की इसके बाद, तो आप एलिजिबल हैं, और अप टू 50 लाख है तो 60% का रिलीफ है, एक्सीडिंग 50 लाख है तो 40% का रिलीफ है। शो कॉज नोटिस में एक और इनएलिजिबिलिटी है, हु हैव बीन इशूड ए शो कॉज नोटिस अंडर इनडायरेक्ट टैक्स एनेक्टमेंट फॉर एन एरोनियस रिफंड और रिफंड। या तो सिंपल रिफंड के लिए अगर आपको शो कॉज नोटिस दिया गया है, या एरोनियस के लिए, हर उस दोनों केसेस में आप इनएलिजिबल है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ड्यू हम लोग बता ही चुके हैं आपको,
रिलीफ कितना मिलेगा ये भी हम लोग आपको साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो यही वो लिखा हुआ भी है, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। और डिपॉजिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मैंने पहले वीडियो में बता दिया, इवन इफ इट इज नॉट रिटन हियर शोकर्स नोटिस, देन इज स्टिल शोकर्स नोटिस के बेसिस पे कोई भी अगर रिकवरी हुई है तो उसका एडजस्टमेंट होगा, फॉर्म में ये लिखा हुआ है। और ये अमाउंट पेबल हमने वही है जो हमने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में बताया था, वही है। ये हम लोग बता ही चुके कि डिपॉजिट हैज बीन मेड बाय यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, एडजस्टमेंट होगा। और शोकर्स नोटिस के बारे में 124 सबसेक्शन 2 में नहीं भी लिखा हुआ लेकिन फॉर्म में लिखा हुआ है, देयरफॉर दैट डिपॉजिट अमाउंट विल बी एडजस्टेड। इलस्ट्रेशंस एंड केस स्टडीज, अब जैसे हमने बताया आपको, एक बार अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाला हो गया है तो ये सब बहुत आसान है, तुरंत तुरंत हो जाएंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने ज्यादा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमें कि और हम अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।